हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग एकदम फिट एंड फाइन हैं। और मेरे को देखकर आज आपको थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद मैं वर्कआउट करने गया था। दो हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट मैंने वर्कआउट नहीं किया था। और आज मैं सुबह सुबह जिम गया, टाइम से उठा भी, जिम भी गया, एक्सरसाइज भी करी। आज मैंने बॉडी मिक्स बॉडी पार्ट लगाया, मतलब पूरा पूरी बॉडी को हिट करा, दो 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 एक्सरसाइज। और क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्ट को हिट नहीं करते एकदम से जब एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो अभी अगर मैं चेस्ट या कोई कोई सा बॉडी पार्ट लगा लेता तो कल वो सिर्फ दुखता ही रहता बहुत ज़्यादा, और जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। पूरी बॉडी को एक बार हिट किया, अभी दो या तीन दिन ऐसे ही हिट करना है फुल बॉडी को, उसके बाद दिन मैं रेगुलर आ जाऊंगा। और ऑलमोस्ट एक वीक में मैं बिल्कुल प्रॉपर पहले वाली उस पर आ जाऊंगा। थोड़ा सा कमजोर भी हो गया हूँ, बॉडी बहुत डल हो गई है, जो कि एक हफ्ते में मैं रिकवर कर लूंगा पूरी की पूरी। और आज से प्रॉपर डाइट चालू, अभी जस्ट सबसे पहले मैं प्रोटीन शेक पीऊंगा, दो हफ्ते बाद पी रहा हूँ। और दो हफ्ते में सही में बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया मैं। आज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी मेरी जिम में, बट हाँ मेरे को करके बहुत अच्छा लगा एक्सरसाइजेस। बॉडी में लाइक लगा कि मज़ा आ रहा है यार, वापस से वो एक स्पार्क आया हल्का सा सुबह सुबह, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। ये भी खत्म होने वाला है, खत्म हो जाता अगर बीमार नहीं हुआ होता तो। मैं अभी यशी मीकू तो सो रहे हैं, हर्ष अपना घर चला गया है, और मैं जस्ट प्रोटीन पी के नहा धो के फटाफट से घर जाऊंगा। काफ़ी दिन हो गए घर पे कैमरा भी नहीं लेकर गया हूँ, नहा लिया हूँ और अभी चलते हैं घर। और दो बैग भर के कपड़े धोने के लिए, और ये मेरा कंबल भी जा रहा है आज धोने के लिए। मम्मी रोज़ मंगा रही थी कि कंबल लाना भूल जाता है, तो उस कंबल भी लेकर जा रहा हूँ। नया कंबल लेकर आई मम्मी मेरे लिए, और वो दे नहीं रही थी पता मुझे कि जब तू पुराना कंबल लाके देगा तभी मैं तेरे को नया कंबल दूंगी, तब तक नहीं दूंगी। आ गए घर, सफाई चल रही मम्मी जी। अभी तक आ रहा है पानी? अभी चला है, मुझे आ रहा है। अपने सुबह दो घंटे आता है ना सिर्फ पानी? हाँ। सुबह बताओ कि सिटी में भी दो घंटे आता है सिर्फ पानी? मेरे लिए काजू बादाम भिगोए आपने? तुम्हारे नहीं, तुम्हें क्या करूँ? तो बोला था ना मैं आ जाऊँगा। बादाम मैंने फ्लाइट पे डाइट नहीं ली क्योंकि ड्राई फ्रूट्स यहीं पर हैं, केले वगैरह मैं सोचा कि यहीं पे मिल जाएंगे, लेकिन मम्मी ने रखी नहीं मेरे लिए लाके। मम्मी प्यार ही नहीं करती मुझसे क्या। हाँ लड्डू खाऊंगा देसी घी के। देखो कितना शांत हो गया, मैं तो उछलता रहता था। और अच्छा बच्चा हो गया। बिस्किट लाऊं तेरे लिए? बिस्किट यहाँ ऊपर रखने पड़ते हैं क्योंकि वो कूद के ले लेता है। धीरे से खाना है ना, धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से का धीरे से का। वेरी गुड, धीरे से का, वेरी गुड। ऐसे धीरे से प्यार से खा। हाँ ऐसे प्यार से खा, ये ले और ले। चल अभी जंप करके। अरे यार कहाँ गिर गया, कहाँ गया बच्चू? ये चल जा रे, क्या भूल गया क्या तू खाना? ये ले। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। सिट, हैंडशेक कर अच्छे से, वेरी गुड। बताओ कहाँ सोता है? हाँ हमारे दोनों के बीच में तकिया पे सिर धरा के डर के। पापा सोते हैं या मम्मी सोती है, और ये बीच में तकिया पे सोता है ने ना। ऑलमोस्ट इसी छः महीने के अंदर है ना, कम से कम 8-10 तो ब्रश चबा गया ये, और सारे पेस्ट पे है ना, इतने आप ना ऐसे पेस्ट दबाओगे ना आगे से नहीं, 18 जगह से आपको ना पेस्ट निकलता हुआ देखेगा। सारे पेस्ट खराब कर दिए, सब खराब कर दिया इसने। मेरी हर चीज में छेद कर दी। मेरे कपड़ों में तो मत कर दी बेटा तू छेद। ब्रेकफास्ट बेड रेस्ट कर रहा हूँ, और ये लड्डू हैं जो मम्मी बनाती थी मेरे दादाजी के लिए, देसी घी के लड्डू। इसमें भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये कैसे बनते मुझे नहीं आइडिया। और चार केले खाऊंगा। वैसे बताइए क्या, मेरे दादाजी है ना खूब सारा सामान लेकर आते थे, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह और सब कुछ घी देसी घी मंगा के मम्मी से बनवाते थे, और उसके बाद है ना सिर्फ वो खाते थे और वो मुझे देते थे, घर में किसी को देते भी नहीं थे। ये लड्डू खाने में अच्छे लगते हैं छाछ के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी चलते हैं फ्लैट। फ्लैट जाने से पहले मेरे को एक बार बैंक में जाना है एक काम से, तो पहले बैंक जाता हूँ उसके बाद फ्लैट पहुँचता हूँ मैं। फ्लैट पहुँच चुका हूँ, और सुबह पता है गाइस क्या हुआ, मैं सुबह जिम के लिए निकला जैसे ही, तो क्या सुबह सुबह हर्ष गाड़ी लेके गया था शायद मीकू को छोड़ने कॉलेज। अब क्या कल शाम को पेट्रोल कम था और मैं डलाना भूल गया था, कि मैंने कहा सुबह सुबह डला लूँगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक्चुअली फिर भी 50 किलोमीटर दिखा रहा था। सुबह जैसे ही मैं कार में बैठा और जैसे ही मैं चलाने लगा कार, एकदम से लो फ्यूल दिखाया और दिखाया सिर्फ 14 किलोमीटर, और मेरी जो फटी सुबह सुबह, भगवान का नाम लेते लेते सबसे पहले पेट्रोल पम्प पहुँचा हूँ और बंद नहीं हुई गाड़ी। किस्मत मेरी अच्छी थी, मेरे को डर लग रहा था बार बार कि बंद नहीं हो जाएगी क्योंकि सिर्फ 14 किलोमीटर शो कर रहा था वहाँ पर। अब ये चले क्या पता यार सिस्टम में 14 किलोमीटर उतना कैलकुलेट कर पाए नहीं कर पाए ठीक से, बट 14 किलोमीटर दिखा रहा था। तो मैं डर गया था सुबह सुबह बहुत, कि मैंने कहा ये बीचें बंद हो गई तो ना मैं इसको खींच पाऊंगा कहीं पर, स्कूटी तो है नहीं कि लेकर धक्का दे के खींच लो, बट हाँ रुकी नहीं है, बंद नहीं हुई। मैं इतना ही पास में सबसे पास वाले पेट्रोल पंप पे गया कि हाँ भाई 2-4 किलोमीटर दूर जो था, और वहाँ तक पहुँच के फिर मैंने टंकी फुल करवाई। कैसी बैकी बैकी बातें कर रही है? मैं कोई बैकी बात नहीं कर रही,
ऐसी बोल रही हूँ? बोल रही बाहर टीन शेड लगवा, बाहर टीन शेड लगवाते, मेरे को नहीं पता। अरे हद है, तुझे पता है क्या? इधर आ, मैं बताती हूँ। 60 सेकंड्स धूप के अंदर आपकी स्किन को 3 दिन पीछे लेके जाते हैं, तुझे पता है? क्या बोलती है यार, मैं तो पिछले दिनों में चला गया हूँ यार। बात को मेरी यार, तुझे पता है मेरे को सन एलर्जी। प्लीज 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 प्लीज, देख मेरे नील भी पड़ गई, मैं गिर गई बाहर। गिरती पड़ गई, देख छाता रख दूंगा ना यार। नहीं सूरज, छाता नहीं, टीन शेड लगवा दे प्लीज। क्या मेरी बात भी हो गई टीन शेड वाले से? बात भी कर ली इसने लैंडलॉर्ड उनको फोन करके, सबसे बात हो गई मेरी। अब तो टीन शेड लगेगा, तेरे हाथ जोड़ू टीन शेड लगवा दे। एक्चुअली पता है क्या गाइस, अभी ये वाला गेट ना हमने परमानेंटली बंद कर दिया, उधर वाला गेट। सीन क्या है कि ये बाथरूम थोड़ा बहुत गीला वीला रहता है, कोई भी उधर से आता है पूरे में वॉशरूम के पैर हो जाते हैं, पूरे में वॉशरूम के गंदे गंदे पैर हो जाते हैं। तो वो बंद कर दिया, अब क्या हम बाहर से जाना पड़ेगा? उधर से गेट खोल दिया तो इधर से जाना पड़ेगा उधर, धूप में से। तो अब ये इसकी क्या धूप की वो हो रही है कि धूप में जाना पड़ेगा? तो मैं कह रही हूं ये 10 साल पीछे चली जाएगी धूप में। छाता कैसे इतना ही कवर करता है? मैंने बात कर ली सबसे, मैं घर आ रही हूं कर ली। हां तो फिर तू तेरे पर्सनल पैसों से करा। अरे मैं करा दूंगी पर्सनल से, करा दूंगी, नहीं होगा तो घर बेच कर करा दूंगी, लेकिन कराऊंगी। अरे यार भैया, फिर आप छाता लेके जाओगे उसके नीचे? आप नीचे उसके नीचे तू नहीं जाएगा, उसके आगे तू छाता लेके जाएगा। और जब जब तू जाएगा ना तो उसे बंद कर दूंगी उसको। मैं वो वाली लगवा रही हूं, खुलने वाली बंद करने वाली। आज का है, हर्ष एग्जाम देने गया है। उसका एग्जाम है? हां जी एग्जाम। अरे आपको तो मैं आज की ट्रेजेडी बता। हां तेरा एग्जाम था ना सुबह सुबह, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलेगा। क्या सुबह सुबह मैं देखा मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, और हर्ष की कार की चाबी दिखी मेरे को। मैंने कहा ये कहीं मीकू को लेके मेरी गाड़ी ले गया। तो मैं नीचे, मैं इससे पूछा, मैंने इसको बोला फोन कर इसको, तो ये बोले नीचे खड़े। मैं नीचे गया तो ये बोलती मेरा तो एग्जाम भी हो गया इतनी सुबह सुबह, एग्जाम कैसे हो गए इसको? मैं बताइए आपको ट्रेजेडी, मैं बताई। हाँ आज है 20 तारीख, तो मुझे लगा कि आज मेरा पेपर है, मैं कॉलेज चली गई, मैंने फोन सबमिट और मैं हो गई 7 बजे पेपर था, और हर्ष भैया ने मेरे को सूसाट पहुँचाया 7:30 बजे। ठीक है मैं आज तो गया मेरा पेपर है ना, फिर मैं गई, मैंने बैग जमा कराया, मैंने फोन जमा कराया, फिर मैं रोल नंबर देख रही हूँ, मेरा रोल नंबर था कुछ 2021 करके, मैं देख रही हूँ 2021 की जगह 3131 नजर आ रहा है। मैं बहुत गार्ड अंकल से, बेटा आज तुम्हारा पेपर नहीं, आप जाओ घर पे। अरे भाई इतनी बुरी बेइज्जती, मैं ही पागल थी। लो मैं वापस आई, इसका पेपर नहीं था और ये एग्जाम देने चली, और मैं एग्जाम देने चली भी गई, और मैं रात भर पढ़ भी रही थी। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर टीन शेड लग जाएगा तो फिर अंदर लाइट कैसे आएगी ढंग से? कहाँ से? तो वो वाला लगवा रही हूँ जो बंद हो जाता है और चालू हो जाता है। तो 50 बार इधर उधर जाएगी तो 50 बार अंदर बाहर करती रहेगी? मैं कर दूंगी, मैं कर, अरे अंदर बाहर नहीं, मतलब वो बंद करने वाला खोलने वाला है। हाँ तो उसको ऐसे ऐसे करके बंद करो, ऐसे ऐसे खींचते खींचते खोलो, टाइम लगता है। कोई बात नहीं, मेरे लिए स्किन से इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ तो वो भी तो बंद खुलना, धूप में खड़े होकर करना पड़ेगा। किसने कहा? साइड में तो लगता है वो, दुकानों पे नहीं देखा क्या तूने? अरे देखा है, लेकिन तो भाई ऐसा तो नहीं है कमरे में बैठे बैठे अंदर से बंद कर देगी, अंदर से खोल देगी? अरे तो 2 सेकंड तो धूप में खड़े हो सकते, पर पूरे दिन खड़ी नहीं हो सकती मैं। तो 2 सेकंड में तो पहुंच जाएगी। कुछ भी कर, मैं तो 3 शेड लगाऊंगी। डिसाइड हो गया, डिसाइड हो गया। क्या बोला तूने? काम कर ले जाके यार। नहीं तूने अभी मुझे क्या बोला? ये मुझे कह रहा है कि मेरे लिए ना डाइट कोक ला दे वहां से जाके। अब ये तो खुद जाएगा नहीं, अब इसके लिए सब लेके आओ। क्यों भाई नहीं डला? नहीं तुम्हें 3 शेड, अब तुम जाओ जाओ, गो Come on, go, go, go. तू तो नहीं डर रहा, तेरे नहीं जाएगी वो टीन शेड, तू तो छाता लेके जाइयो। गाइस देखो पढ़ाई कर दी। नहीं तू अपनी बात रुक जा, रुक जा, रुक जा। देखो भैया ये कोई बात पलटने का तरीका नहीं है, ये चार से टाइप तरीका की बात ही है, इसको छोड़ो। सारी बुक्स पढ़ी है इसके पास, ये राजा वन वीक सीरीज से पढ़ रही मैडम। इको हमसे क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, उसके एग्जाम में आने वाला है, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है, उसका जवाब मैं और यशी देंगे, जिसने सही दिया वो बच गया, जिसने गलत दिया वो टीन से डलवाएगा खुद के पैसे से। ठीक है स्टार्ट। हाँ, एन इकोसिस्टम इज एन इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ ए कम्युनिटीज, बी पॉपुलेशन, सी इंडिविजुअल्स, और डी कम्युनिटीज एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट्स। डी, आई गेस डी। डी आप बताओ। डी पक्का? डी। हाँ आर यू श्योर? सही है। अब आगे आप आधे आधे कर लो, पैसे बकवास तो करो मत ज्यादा। मेरी घड़ी पे मार। एक और क्वेश्चन, ये तो इक्वल हो गया। हां वापस मी को एक और नेक्स्ट। क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स और इरोजन। डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट ए। क्या ए क्या था? ये वो कंजर्वेशन जो भी था उनका सही है।
डिफॉरेस्टेशन पागल पेड़ काटने को कहते हैं। ओफ यार शिट, वो एफॉरेस्टेशन होता है। मैं कंफ्यूज हो गई, अरे मैं एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन में कंफ्यूज हो गई। चुप हो जा, पहले जो है ना वही होता है, पहली पहली बात होती है। आलू माय डार्लिंग, ओ माय गॉड, जीत गई। अरे यार मैं पता है क्या, कल 3 विकेट गिरे थे ना, तो मैं इतना खुश हुआ था जब 3 विकेट गिरे थे। मैंने कहा 7 रन पर 3 विकेट, हाँ 7 रन पर 3 विकेट। मैंने कहा अब तो कल सुबह की शुरू, मैं तो रात को पहुंच जाता कसम से। इसके बाद अगर है ना, यानी मैं चिढ़ाने के लिए ऐसे और बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था इंस्टाग्राम पे कि मैं देखना सीएसके आ रही है, किसी को जवाब नहीं दिया। लेकिन सीएसके जीत गए और बहुत तगड़ा पलटा मैच। मिस्त्री हो रही है गाइस, आदमी सुपारी ये भाई साहब के भी एग्जाम चल रहे हैं। पर एटलीस्ट मेरे इसकी तरह चोट नहीं होती भाई, मेरा जिस दिन एग्जाम होता है मैं उसी दिन देके आता हूँ। तू कहाँ जा रही है यार, रुक जा, तेरी और तारीफ, तेरी तारीफ तो करने दे। इधर आ, इधर आ। मैंने क्या किया? इधर आ, इधर आ। एक बात बताओ गाइस, कोई एग्जाम देने जाएगा तो अपना एडमिट कार्ड तो लेके जाएगा ना कम से कम। एग्जाम देने चली गई आज सुबह, एडमिट कार्ड निकलवा के लाइए अभी शाम को, कल सुबह इसको छोड़ने जाना पड़ेगा। कितने छोड़ गया? 6:15 चल मैं छोड़ूंगा उसको सुबह सुबह 6:15। हाँ मेरे जिम के टाइम पे चला जाऊंगा फिर मैं, तो इसको छोड़ के फिर मैं जिम जाऊंगा कल। तो कल कुछ खाने का मंगा ले, आज खाना आया घर से? घर से खाना नहीं आया तो दाल चावल मंगा लेता। दाल चावल, दाल फ्राई खाऊंगी। यस तो चलो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते कल, बाय बाय।